री एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हों तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग इकोनॉमी का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोग आज अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में और किस तरीके से व्यापार की गतिविधियां हो सकती हैं, उसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्या भूमिका हो सकती है, इसी के पृष्ठभूमि में आर्थिक संगठनों को समझने का प्रयास करेंगे। और बेसिकली हम लोग या पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक विकास क्रम में तो वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ होता है, क्योंकि उसके पूर्व में कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यापार के लिए या आर्थिक गतिविधियों के लिए व्यापारिक समन्वय के लिए कोई ऐसी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो सभी देशों पर एक तरीके से लागू होता था या समन्वय करने का काम करता था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, सबकी अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, पटरी से उतर जाती है। तो इन्हीं सभी बातों के पृष्ठभूमि में कुछ ऐसे प्रयास किए जाते हैं जिससे महत्वपूर्ण आर्थिक संगठन की स्थापना की जाती है। इस दौरान देखा जाए तो अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान व्हाइट प्लान 1943 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। 1943 ईस्वी में जो है व्हाइट प्लान लिया गया था और ये जो है अमेरिका के द्वारा लाया गया था और ब्रिटेन ने इस दौरान किंग्स योजना प्रस्तुत किया था। किंग्स एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया कि किस तरीके से मंदी आती है, किस तरीके से अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव होता है, किस तरीके से वस्तुएं महंगी होती हैं या अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी होती है, इसके संदर्भ में किंग्स ने एक सिद्धांत अपना प्रस्तुत किया था कि राज्य को, अगर हम राजनीति विज्ञान की भाषा में बात करते हैं तो राज्य के रूप में और सामान्य रूप से जो है सरकार के रूप में ये चीज देखा जाता है कि सरकार को किस तरीके से हस्तक्षेप करना चाहिए जिससे इकोनॉमी संतुलित रूप में जो है आगे बढ़े, कि उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो और एक निश्चित मांग बनी रहे और उस मांग को पूरा करने के लिए इकोनॉमी में जो है वो गतिशीलता बनी रहे। तो इस आधार पर जो है किंग्स योजना भी जो है प्रस्तुत की गई थी और किंग्स जो है एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव इत्यादि को रोकने के दिशा में काम किया था जो है। तो ये योजनाएं प्रस्तुत की गई। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक महत्वपूर्ण सम्मेलन जो है 1944 जुलाई 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स में होता है। ये अमेरिका में एक महत्वपूर्ण शहर है जहां पर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में दुनिया के महत्वपूर्ण लोग शामिल होते हैं जिनका कि ये उद्देश्य था कि किस तरीके से पुनः जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति में अर्थव्यवस्था का सुधार हो सके, पूरी दुनिया में अलग अलग इकोनॉमी की जो गतिविधियां हैं उसके आधार पर एक संतुलन की स्थिति उत्पन्न हो सके और व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके, इन सभी बिंदुओं पर बात करने का प्रयास किया गया और इसीलिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया। और यहाँ पर मुख्य रूप से तीन बातें की गई। एक तो अर्थव्यवस्था का जो क्रियात्मक पक्ष है जो कि अलग अलग देशों के साथ उसके लेन देन होते हैं, वहाँ पर भुगतान संतुलन की समस्या या मौद्रिक समस्या जिसको कह सकते हैं। दूसरा ये अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण और विकास था और तीसरा जो है वो व्यापार की गतिविधियाँ थी। इन तीनों ही आर्थिक गतिविधियों पर विचार करने के लिए तीन महत्वपूर्ण आर्थिक संगठनों की स्थापना की गई और ये आर्थिक संगठन जो है वो इस रूप में आप देख सकते हैं। ये तीनों संगठन इस रूप में देख सकते हैं। एक IMF है और दूसरा आपका विश्व बैंक समूह, और तीसरा WTO, तीसरा जो है वो WTO है। इन तीनों आर्थिक संगठनों की स्थापना होती है। इन आर्थिक संगठनों की स्थापना की भी कुछ अपनी कहानियां रही हैं और जो अलग अलग क्षेत्रों में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, मजबूत करने के लिए काम करना प्रारंभ करती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग IMF को समझ लेते हैं।
कि आईएमएफ की स्थापना ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के जो है परिणाम स्वरूप 1945 ईस्वी को होती है और ये 47 ईस्वी से काम करना प्रारंभ कर देता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया ऑफ यूएसए में स्थापित होता है। लेकिन एक परंपरा रही है शुरू से कि यह इस संस्था का जो प्रमुख होता है वो हमेशा से जो है यूरोपीय कोई ना कोई व्यक्ति होता है। यह एक परंपरा जो है बन गई और आईएमएफ का जो प्रमुख है वो हमेशा से कोई ना कोई एक यूरोपीय व्यक्ति बनना शुरू हो गया। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। हालांकि विश्व बैंक समूह में कई आर्थिक संगठन सम्मिलित हैं इसीलिए उसको विश्व बैंक समूह कहा गया है, किंतु सामान्य रूप से विश्व बैंक का भी मुख्यालय वो वाशिंगटन में ही है। तो 1945 ईस्वी में स्थापित हुआ और 47 ईस्वी में काम करना शुरू किया। आईएमएफ का मुख्य काम जो अर्थव्यवस्था के क्रियात्मक पक्षों से है उसमें भुगतान संतुलन को स्थापित करना, देश का मौद्रिक जो है सहयोग स्थापित करना, एक संतुलित विनिमय दर को बनाए रखने में सहयोग करना तथा अलग अलग देशों के भुगतान संतुलन की समस्या से निपटने के लिए इसने 1971 ईस्वी में एसडीआर प्रारंभ किया, जिसे बोला जाता है स्पेशल ड्राइंग राइट विशेष आहरण अधिकार। अभी थोड़ा सा हम इसके बारे में समझेंगे। तो आईएमएफ एक ऐसी आर्थिक जो है संगठन है जिसकी स्थापना 45 में हुई और 47 में काम करना शुरू किया। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है और परंपरा से अगर देखा जाए तो यूरोपीय व्यक्ति ही इसका कोई ना कोई प्रमुख होता है और यह मुख्य रूप से जो है वो अर्थव्यवस्था में भुगतान संतुलन या विनिमय दर या मौद्रिक सहयोग करने के उद्देश्य से ऋण देता है। और इसके ऋण के अगर काल के आधार पर देखा जाए तो ये सामान्यतः अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है, अल्पकालीन ऋण इसके द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है और ये भुगतान संतुलन समस्या से निपटने के लिए स्पेशल ड्राइंग राइट की बात की गई जो कि 1971 ईस्वी में प्रारंभ होता है। आईएमएफ का संचालन बोर्ड ऑफ गवर्नर के माध्यम से होता है। प्रत्येक सदस्य देश एक जो है गवर्नर वहां पर नियुक्त करता है और वो सभी मिलकर के बोर्ड ऑफ गवर्नर समूह बनाते हैं। इसमें जो मत देने का अधिकार है वो इस बात से निर्धारित होता है कि प्रत्येक सदस्य को उसकी सदस्यता के आधार पर 250 और प्रत्येक 1,00,000 एसडीआर पर जो है एक अन्य जो है वोट देने का अधिकार मिल जाता है, एक जो है वोट देने का अधिकार मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के इस आधार पर मतदान की व्यवस्था में अलग अलग सदस्य देशों को अधिकार मिलते हैं कि किसको कितना अधिकार मिलेगा वो उसकी सदस्यता और स्पेशल ड्राइंग राइट के प्रत्येक 1,00,000 पर एक मत के आधार पर निर्धारित होता है। वर्तमान समय में देखा जाए तो आईएमएफ में अमेरिका सबसे महत्वपूर्ण देश है मत के आधार पर, क्योंकि उसके पास सबसे अधिक जो है मताधिकार है, क्योंकि दुनिया के अलग अलग जो है आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में जब किसी संकल्प पर या प्रस्ताव पर विचार होते हैं तो विचार के बाद सदस्य देशों के द्वारा उस पर मतदान किए जाते हैं और मतदान में जो है वह देश सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसके पास ज़्यादा मत होता है जिसके पास जो है सदस्यता के साथ स्पेशल ड्राइंग राइट ज़्यादा होते हैं। तो कुल मिलाकर के अमेरिका के पास जो है इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी बनती है। तो ये रही जो है आईएमएफ की जो है स्थापना और आर्थिक गतिविधियां। अब इसी के साथ जो हम लोग बात करेंगे जो है विश्व बैंक के संदर्भ में। विश्व बैंक अभी यहां पर लिखा हुआ है विश्व बैंक नहीं बल्कि विश्व बैंक समूह लिखा गया है। ये भी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन यानी कि जुलाई 1944 ईस्वी में जो सम्मेलन हुआ उसके बाद स्थापित होता है और इसमें 5 आर्थिक संगठन सम्मिलित हैं। इनका नाम आईबीआरडी, IDA, IFC, MIGA और ICSIT। IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, MIGA मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और ICSIT इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, यानी कि जो निवेश से संबंधित विवाद होंगे उनसे संबंधित निपटारा केंद्र की स्थापना की गई। तो थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। अब इसमें जो है 5 संगठन स्थापित हुए हैं
तो विश्व बैंक समूह में आईबीआरडी यानी कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास एवं पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई है और इसका भी मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में ही है। यह मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए काम करता है, दीर्घकालीन इसके लिए ऋण उपलब्ध करवाता है, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार एवं परिवर्तन लाने का काम करता है। तो कुल मिलाकर के इतना समझता है कि जैसे वहां पर आईएमएफ भुगतान संतुलन के लिए काम करता था, उसी तरीके से आईबीआरडी के द्वारा अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। यह इसका जो पहला कार्य है। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सहयोग करना तथा उत्पादन को बढ़ा करके लोगों के जीवन स्तर को सुदृढ़ करना भी इसका दूसरा महत्वपूर्ण काम है। अगला महत्वपूर्ण काम यह संरचनात्मक समायोजन उधारी का कार्य प्रारंभ किया है। इसके अंतर्गत जो है संस्थागत सुधार एवं नीतिगत परिवर्तन के लिए संचालित किए जा रहे कार्यक्रमों को वित्तीयन करना यानी कि फंडिंग करने का काम करता है। चूंकि दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है तो सामान्यतः जो है 5 से लेकर 20 वर्षों तक के अंतर्गत यह दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है। चूंकि अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार करना, रिकंस्ट्रक्शन करना, ये एक दीर्घकालीन काम है, इसलिए इसके माध्यम से या इसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। किसको? सदस्य देशों को कराया जाता है, जिससे सदस्य देशों के अर्थव्यवस्था का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है चेंज हो सके, डेवलपमेंट हो सके, उत्पादन को बढ़ाया जा सके और जीवन स्तर में सुधार होना संभव हो सके। तो यह काम जो है आईबीआरडी के द्वारा किया जाता है और सामान्यतः जिसे हम विश्व बैंक कहते हैं वही संस्था जो है वो आईबीआरडी होती है। आईबीआरडी को काम को ही जो है हम सामान्यतः जो विश्व बैंक कहते हैं, किंतु विश्व बैंक एक समूह ना हो, एक संस्था या संगठन ना होकर के 5 महत्वपूर्ण आर्थिक संगठनों का समूह है, इसीलिए इसको जो है विश्व बैंक समूह के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो है वो आईबीआरडी के बाद आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की स्थापना 1960 में की गई है। यह मुख्यतः 2 रूपों में अगर देखा जाए इस कार्य को, एक तो यह उदार दर पर ऋण उपलब्ध करवाता है और दूसरा यह विकासशील देशों के अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए, उसके उत्पादन में वृद्धि के लिए, जीवन स्तर के सुधार के लिए भी जो है काम करता है। यह 3P के काम आधार पर काम करता है, 3P के आधार पर काम करता है, 3P के आधार पर यानी कि प्रोडक्शन प्रिफरेंस एंड पॉवर्टी, गरीबी के आधार पर काम करता है, प्रोजेक्ट परियोजना के आधार पर काम करता है और प्रिफरेंस यानी कि वरीयता के आधार पर कि जिनको सबसे ज्यादा आवश्यकता है उनको ऋण जो है दिया जाए, तो इस आधार पर यह काम करने का प्रयास करता है। और चूंकि यह बहुत ही उदार दरों पर ऋण उपलब्ध करवाता है, इसीलिए इसको विश्व बैंक का एक सॉफ्ट लोन विंडो भी कहा जाता है, यानी कि उदार दरों पर ऋण खिड़की के नाम से इसको जाना जाता है। किसको? ये परीक्षा में सवाल कई बार पूछा गया है, आईडीए को, यानी कि आईडीए को सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से जाना जाता है। तो मुख्य रूप से ये उदार दरों पर ऋण देता है, अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के साथ साथ उत्पादन एवं जीवन स्तर को सुधारना इसका महत्वपूर्ण काम है। किसका काम है? ये आईडीए का काम है और इसकी स्थापना 1960 में की गई है, इसकी स्थापना 1960 में की गई है। तो ये आईडीए महत्वपूर्ण काम करता है। और अगला है आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। यह मुख्य रूप से निजी क्षेत्र को ऋण देता, फाइनेंस को, कॉर्पोरेशन को लोन देने का काम करता है। जब हम कॉर्पोरेट जगत की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में निजी क्षेत्र जैसे अवधारणाएं जो है सामने आती हैं। तो कुल मिलाकर के इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है वो निजी क्षेत्र को ऋण देता है। इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में ही है और यह निजी क्षेत्र को ऋण देता है जिससे कि आर्थिक व्यापार की गतिविधियां, उत्पादन की गतिविधियां इत्यादि को जो बढ़ावा दिया जाना संभव हो सके। तो ये मुख्य रूप से देता है उदार दरों पर गरीब या विकासशील देशों को, यह निजी क्षेत्रों को ऋण देने का काम करता है और इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। अगला है ICSI, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स।
इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, यानी कि निवेश से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय निवेश से संबंधित विवाद निपटारा केंद्र इसको कहा जाता है, और इसकी स्थापना 65 में की गई थी, 1965 ईस्वी में। कभी कभी मिलान के लिए भी ये पूछ लेता है, क्रम भी पूछ लेता है पहले से बाद में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। तो कुल मिलाकर के ये निवेश, निवेशकों के हितों के साथ साथ जो है ये निवेशकों और जिन देशों में निवेश किए जाते हैं उनके मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों को दूर करने का काम ये करता है। कौन सा करता है? ICSID, यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, जिसकी स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी, इसे कहा जाता है ICSID, क्योंकि हम लोग सामान्यतः विश्व बैंक को ही जानते हैं, लेकिन इसके माध्यम से हम लोग थोड़ा सा विश्व बैंक समूह को भी जो है समझ पा रहे हैं कि अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग संगठन बनाए गए हैं। इसका दायरा बहुत ही व्यापक होता है, परंतु यहाँ पर हम लोग संक्षिप्त में इस आधार पर चर्चा कर रहे हैं कि उनकी स्थापना, मुख्यालय या उनके कार्य के स्वरूप को हम लोग समझ पा रहे हैं। अगला एक महत्वपूर्ण संगठन है MIGA, इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। अब इसका मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी ये बहुपक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण के रूप में काम करता है। बहुपक्षीय का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग देशों का जो है सरोकार किसी विषय से जब होता है तो वह उसे बहुपक्षीय कहा जाता है। तो यह जो है, चूंकि जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो निवेश के संदर्भ में, व्यापार के संदर्भ में, उत्पादन से संबंधित अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्थाएं जो जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं, तो यहाँ पर इसीलिए इसको मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी कहा गया है। यह निवेशक और निवेशकों के हितों को बढ़ावा देने का काम करता है, उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, उनके अधिकारियों अधिकारों के लिए लड़ने का काम करता है। तो इन्वेस्टमेंट से संबंधित जो है कार्यों के लिए जो है ICSID है, वहीं पर इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी यानी कि निवेशकों के हितों से संबंधित कार्य जो है MIGA करता है, जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के इस चैप्टर में हम लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति हुई, जो कमजोर स्थिति हुई, उससे निपटने के लिए 1944 ईस्वी में, यानी कि जुलाई 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स शहर में अमेरिका के सम्मेलन की बात करते हैं, और इस सम्मेलन में मुख्य रूप से भुगतान संतुलन, अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के साथ साथ व्यापार के बिंदुओं को समेटने का प्रयास किया गया, जिसके माध्यम से 3 महत्वपूर्ण संगठन निकल करके सामने आते हैं। पहला IMF, दूसरा विश्व बैंक समूह जिसे सामान्यतः विश्व बैंक कहा जाता है, किंतु इसके अंतर्गत जो 5 महत्वपूर्ण संगठन है जिसमें IBRD, IDA, IFC, MIGA और ICSID जो निवेश से संबंधित हितों पर काम करता है। इस तरीके से ये आपका विश्व बैंक समूह कहलाता है। इसके बाद आता है व्यापार से संबंधित एक महत्वपूर्ण संगठन जो कि विश्व व्यापार संगठन कहलाता है, और इसकी स्थापना जनवरी 1995 ईस्वी को की गई है। भारत भी इसका संस्थापक सदस्यों में आता है, और इसके पूर्व में एक GATT की स्थापना हुई थी जो कि 1948 ईस्वी में स्थापित हुई थी, जिसका पूरा नाम जो है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यानी कि प्रशुल्क एवं व्यापार पर एक सामान्य समझौता था, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि अलग अलग देशों के माध्यम से जो है व्यापार में जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं उसको कम किया जाए और प्रशुल्क की दरों को भी कम किया जाए। तो इस तरीके से 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, और इसकी पहली बैठक व्यापार की गतिविधियों में सुधार के लिए जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई, जहां पर इसे पहली दौर की वार्ता भी कहा जाता है, पहली दौर की वार्ता कहा जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भी व्यापारिक संरक्षण राष्ट्रों के द्वारा किया जाता है, किसी वस्तु पर व्यापारिक संरक्षण किया जाता है उनको, किसी भी तरीके के जो है माध्यम से कि बाहर की वस्तुएं ना आ सके देश में या उस पर टैक्स ज्यादा लगाया जाता है, तो इन्हीं बिंदुओं के पृष्ठभूमि में इस संरक्षण को कम करने तथा प्रशुल्क को कम करने पर आधारित पहले दौर की वार्ता जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई, और इसमें 8 दौर की वार्ता हो गई। फिर बाद में 8वें दौर तक बात जब इसमें नहीं बनी, तो इसके जो मुख्य आयोजक थे
उनका नाम आर्थर डंकल था, उन्होंने एक प्रपोजल प्रस्तुत किया। प्रपोजल में खैर कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी, कुछ बिंदुओं पर नहीं बनी, और इसी पृष्ठभूमि में जा करके 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना होती है। तो अगले लेक्चर में हम लोग विश्व व्यापार संगठन, चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और किसी विषय पर व्यापार से संबंधित विकसित और विकासशील देशों के मध्य में विवाद के कई सरोकार हैं, कई बिंदु हैं, तो उसको हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से उसकी कार्यप्रणाली है, उसका क्या उद्देश्य है, और किस तरीके से अलग अलग देशों के हित प्रभावित हो सकते हैं, और क्यों विकासशील देशों के द्वारा इस पर अलग तरीके की अपनी बात कही जाती है, आरोप लगाए जाते रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने संक्षेप में इन बातों को समझने का प्रयास किया। अगले लेक्चर में हम लोग विश्व व्यापार संगठन को डिटेल में जो समझेंगे, जो कि गेट के बाद स्थापित हुआ एक महत्वपूर्ण संगठन है, जो कि आज भी स्थापित है और दुनिया के व्यापार को देखता है और नियंत्रित करने का प्रयास करता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में इसके अगले पार्ट और अंतिम भाग को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।